और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब। कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है, मतलब सब कुछ कुर्बान कर देने वालों पर भी यह दुनिया यह संसार हंसता है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा अवश्य ही प्रतिष्ठापित होगी, मतलब स्थापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा, क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। आज वहां रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गईं। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारी। रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। अटेंशन मीन्स बच्चों सीधे होकर एकदम से, जैसे हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं ना एकदम सीधे खड़े होते हैं, वैसे ही खड़े हो गए थे। मूर्ति की आंखों पर सर कंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा बच्चे बना लेते हैं। हालदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। यहाँ पे सरकंडे का मतलब होता है बच्चों सरपत नाम का एक पौधा होता है, उससे सरकंडे कहा जाता है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार यह कहानी यही ख़त्म होती है। इस कहानी का उद्देश्य यही था बच्चों कि ये कस्बा है। एक बार मैं फिर से इस कहानी का सार बता देती हूँ शॉर्ट में। एक कस्बा है, उस कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगी है जो कि संगमरमर की है, और उस कस्बे से हर 15वें दिन एक हालदार साहब हैं, एक अधिकारी हैं जो कि गुजरते थे। और उस कस्बे के चौराहे पे जो मूर्ति लगी थी वो एक उस कस्बे के एक लौते ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने बनाई थी, और मूर्ति संगमरमर की पूरी बनाई थी, पर अच्छी मूर्ति भी बनाई थी, पर उसमें कमी रह गई थी, क्योंकि जो व्यक्ति चश्मा पहनता है और उसको बिना चश्मे के देखिए तो वो अधूरा सा लगता है ना, उसी प्रकार नेताजी की जो मूर्ति थी उस मूर्ति तो पूरी बनी थी, हर चीज़ पूरा बनाया गया था, पर उस पर चश्मा नहीं था। उस चश्मे को पूरा करने के लिए एक कैप्टन चश्मे वाला था जो कि रोज़ उस मूर्ति पर चश्मे लगाता था, क्योंकि उसके चश्मे की दुकान थी, कोई ग्राहक आता, कोई उसको वह चश्मा पसंद आता तो वो चश्मा उतार के उसको दे देता और उसकी जगह कोई दूसरा चश्मा पहना देता था। यही सब बातें हालदार साहब जब जब गुजरते ये देखते थे और उनके मन में कई प्रश्न उठते थे, तो उन्होंने वो प्रश्न किससे पूछे, पान वाले से पूछे। पान वाले ने बताया कि ये जो चश्मा है ये चश्मा जो है कैप्टन चश्मा वाला बदलता है, क्यों, क्योंकि उसकी एक चश्मे की दुकान है, जब कोई ग्राहक आता है उसको वो चश्मा पसंद आ जाता है तो वो उसको दे देता है, उसकी जगह वो
दूसरा लगा देता है, कभी गोल चश्मा, कभी चौकोर, कभी काले फ्रेम वाला, कभी लाल फ्रेम वाला। इस तरह चश्मा जो था वो हर बार बदलता रहता था और यही सब हालदार साहब बड़े गौर से देखते थे। मगर एक दिन होता है कि जो मूर्ति पर चश्मा लगा ही नहीं होता है, जब दूसरी बार आते हैं तब भी नहीं लगा होता है। तब हालदार साहब ने उस पान वाले से पूछा, तो पान वाला उदास था। उसने मतलब उदास भरे स्वर में बोला कि जो कैप्टन चश्मे वाला चश्मा बदलता वो मर गया। तो जो हालदार साहब ने डिसाइड किया कि अब वो उस कस्बे से नहीं गुजरेंगे, उस मूर्ति को नहीं देखेंगे, क्योंकि बिना चश्मे की वो मूर्ति अधूरी लग रही थी। तब कुछ दिनों के बाद जब वो फिर गुजरे, वो नहीं चाह रहे थे कि वो मूर्ति की तरफ देखें, मगर क्या होता है ना मन किया, कहते हैं कि एकाएक उनकी नज़र उस तरफ हो जाती है और उस मूर्ति की तरफ उनकी नज़र पड़ जाती है, तो वो क्या देखते हैं, उनकी चीखें निकल जाती हैं। वो जीप को रोकते हैं और भागकर उस मूर्ति के पास जाते हैं और अटेंशन की मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और क्या देखते हैं कि मूर्ति पर सरकंडे का एक छोटा सा चश्मा लगा हुआ था, जिससे को कोई बच्चा ही बना के लगा देता। मतलब यहाँ पे जो कहानी का उद्देश्य है, यहाँ पे स्वयं प्रकाश जी का जो कहानी का उद्देश्य लिखने का ये था कि लोगों के मन में देश प्रेम की जो भावना है वो कहीं ना कहीं मतलब छिपी हुई है, तभी तो नेताजी की मूर्ति के ऊपर सरकंडे का चश्मा लगा था, क्योंकि वो बिना चश्मे के इनकम्प्लीट थी मूर्ति और चश्मे लगने के बाद ही वो पूरी हुई है। और जो और लेखक का जो उपदेश था उसका भी उद्देश्य यही था कि व्यक्ति की भावना को देखना चाहिए, उसके अंदर जो छुपी देशभक्ति की भावना है उसको समझना चाहिए हमें। ज़रूरी नहीं है कि सरहद पे खड़े सिपाही जो देश की रक्षा करते हैं वही सिर्फ देशभक्ति निभा सकते हैं, एक आम नागरिक भी अपने तरीके से देशभक्ति की भावना को व्यक्त कर सकता है, उसके लिए कार्य कर सकता है, यही इस पाठ का उद्देश्य था। मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सबको ये लेसन समझ आ गया होगा। थैंक यू।